हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपके डॉग के सोने का पोजीशन आपके डॉग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि वो सोते टाइम क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है या फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या साइंस है, सोने के पोजीशन के पीछे क्या साइंस है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो एंड तक देखें और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको डॉग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, सबसे पहला है कर्ल्ड अप पोजीशन, मतलब आपका डॉग जब पूरा सिकुड़ के सोता है, जब आपकी डॉग की पूँछ उसके हेड की तरफ आती है, पूरा ऐसे सिकुड़ के सो रहा होता है, उसको बोलते हैं कर्ल्ड अप पोजीशन। दोस्तों, डॉग्स ऐसे तब सोते हैं जब उनको बॉडी में हीट की रिक्वायरमेंट होती है और उनको बॉडी को वार्म करना होता है। और दोस्तों, ऐसे सो के वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। डॉग ज़्यादातर ऐसे ठंड में सोते हैं या फिर फॉल के टाइम सोते हैं, या फिर जब उनको ठंड लग रही होती है, या फिर वो किसी अननोन जगह पे होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, तब वो ऐसे सोते हैं। दोस्तों, जंगलों में ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे ही सोते हैं, क्योंकि दोस्तों जंगल में उनको अपने बॉडी को वार्म रखने की ज़रूरत होती है और उनको अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके ऊपर कहीं से भी कभी भी अटैक हो सकता है, तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ऐसे सोते हैं। दोस्तों, अगला पोजीशन है ऑन द बैक या फिर क्रेजी लेग्स। दोस्तों, जब एक डॉग अपने पीठ के बल हाथ ऐसे ऊपर करके सो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो डॉग बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो डॉग आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और जो एनवायरनमेंट में वो सो रहा है वो बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से वो बहुत ज़्यादा खुश है और उस एनवायरनमेंट को वो अपना एनवायरनमेंट मानता है। यानी कि अगर आपके घर में कोई डॉग बैक पे लेट के हाथ ऊपर करके ऐसे लेट रहा है, तो उस घर को वो अपना घर ही मानता है और वो आप पे पूरा यकीन करता है, पूरा ट्रस्ट करता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने घर में हूँ। किसी किसी सिचुएशन में दोस्तों डॉग ऐसे इसलिए सोते हैं अपने चेस्ट को ऐसे करके, क्योंकि उनको गर्मी लग रही होती है और उनको थोड़ा हवा चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, इसलिए भी वो अपना हाथ ऐसे करके और चेस्ट ऊपर करके बैक के बल सो रहे होते, ताकि उनको हवा लगे, उनके चेस्ट पे, उनके बेली पे, उनके पॉस पे हवा लगे, ताकि दोस्तों उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। दोस्तों, अगला पोजीशन है द कडल बग। कडल बग में डॉग आपसे चिपक के सोता है या फिर अपनी पीठ आपकी पीठ से लगा के सोता है। दोस्तों, डॉग जब छोटा होता है, पपी होता है, तब से उनकी आदत होती है कि एकदम चिपक के सोने का, वो दूसरे पपीज के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल चिपक के लग के सो रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब वो पपी होता है तो बॉडी हीट मेंटेन करने के लिए, बॉडी में बॉडी को वार्म करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इसीलिए सारे पपीज एक के साथ एक जुड़ के सो रहे होते हैं, ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सके और अपने बॉडी को वार्म कर सके। तो दोस्तों, ये आदत बड़े होके भी उनकी रह जाती है। दोस्तों, अगर आपका डॉग आपसे चिपक के सो रहा है या फिर अपनी पीठ आपकी पीठ में लगा के सो रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि वो आपको अपने जैसा समझता है, अपनी फैमिली का समझता है और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। दोस्तों, अगला पोजीशन है सुपरमैन। सुपरमैन में डॉग अपने चेस्ट के बल सो रहा होता है, उसके हाथ ऐसे होते हैं और पैर भी बाहर की तरफ ही होते हैं। तो दोस्तों, ये पोजीशन बहुत ही फनी होता है, जब भी आप डॉग को ऐसे सोते हुए देखते हैं तो आपके फेस पे स्माइल ज़रूर आएगी। पर दोस्तों, इस पोजीशन में डॉग सो नहीं रहे होते हैं, डॉग एक हल्का सा नैप ले रहे होते हैं, और दोस्तों इस पोजीशन में उठना बहुत ही इजी होता है अपने पैरों पे। तो दोस्तों, नैप लेते वक्त कोई भी आवाज़ सुनते हैं, कुछ भी होता है, तो डॉग्स तुरंत उठ जाते हैं। दोस्तों, आप कभी भी रात के वक्त डॉग को ऐसे सोते हुए नहीं देखोगे। अगर दोस्तों रात के वक्त भी डॉग ऐसे सो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक छोटा सा नैप ले रहा है और ये उठने के लिए तैयार है। और दोस्तों, अगर आपका डॉग इस पोजीशन में सो रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपका डॉग खेलने के लिए तैयार है आपसे, उसका मूड है अभी कि आप उसको बुलाए और उसके साथ खेले। दोस्तों, अगला पोजीशन है साइड स्लिपिंग। साइड स्लिपिंग बहुत ही कॉमन पोजीशन है, जब आपका डॉग साइड के बल पे सो रहा होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, रिलैक्स होता है, और दोस्तों वो अपने ओनर पे यानी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। डॉग्स को ऐसे पोजीशन में सोते हुए आप हमेशा देखेंगे। दोस्तों, अगला पोजीशन है लॉयन पोजीशन। दोस्तों, लॉयन पोजीशन में डॉग अपने चेस्ट के बल पे सो रहा होता है,
पर दोस्तों उसका फेस थोड़ा सा कर्ल होता है, यानी थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, या फिर वो अपने हाथ के ऊपर अपना फेस रख के सो रहा होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका डॉग अलर्ट है, सो रहा है, उसकी आंखें बंद है, पर वो अलर्ट है कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए। और दोस्तों अगर मैं बोलूँ सो रहा है तो गलत होगा, डॉग उस समय रेस्टिंग पोजिशन पे होता है, यानी कि अलर्ट होता है पर रेस्ट कर रहा होता है। दोस्तों अगला पोजीशन है ले ऑन योर क्लोथ्स, यानी कि जब आपका डॉग आपके कपड़ों के ऊपर सो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका डॉग आपके बहुत ही करीब रहना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, आपके साथ सोना चाहता है, क्योंकि दोस्तों आपके कपड़ों पे आपकी स्मेल होती है और दोस्तों उसी स्मेल को वो अपने पास रखना चाहता है ताकि उसको लगे कि आप उसके बिल्कुल पास हैं। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको अपने डॉग के सोने की पोजीशंस के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा। अब दोस्तों आप जब भी अपने डॉग को सोते हुए देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका डॉग क्या सोच रहा है या फिर क्या फील कर रहा है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डॉग्स के बारे में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।